कि किसी भी विषय में जानकारी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, सेना वो निर्णय ले। आपके साथ करेंगे जैनी साहब, आपके लिए नारे लगाएंगे, लेकिन अगर आप पर FIR होगा तो सरकार में शामिल होकर चुप रहेंगे। जैनी साहब, मैं एक बोलना चाहता हूँ कि हमको ये जुमलेबाजी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आज दिल में बहुत रोष है, गुस्सा है। मैं पूरा आदर करता हूँ संबित पात्रा जी का, इनसे इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, इनके नॉलेज और इनके सब इन्फॉर्मेशन का। लेकिन देखिए, एक तरफ तो महबूबा जी बोल रही है फ्लोर ऑफ द हाउस में कि हमने परमिशन ली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, बात करके रक्षा मंत्री से हमने सीतारामन मैडम से परमिशन ली हुई है, और यहाँ पे उनके वक्ता बोल रहे हैं कि कोई परमिशन नहीं है। अच्छा, अगर परमिशन नहीं है तो अंडर सेक्शन 7 ऑफ द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कोई FIR नहीं लॉन्च हो सकती जब तक डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए। कोई नहीं, एक सेकंड, लेट मी फिनिश प्लीज। तो अगर चेक के परमिशन नहीं दी गई है तो दिस FIR इज इलीगल, देन हाउ इट इज देयर। दूसरी बात, FIR तब लॉन्च होती है जब अक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो जाता है। FIR में नाम दिया हुआ है, बीजेपी के खुद के प्रवक्ता बोल रहे हैं उसमें नाम नहीं है। चलो नाम नहीं होगा, लेकिन साथ में साथ एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी काय के लिए होती है? वो होती है कि अक्यूज्ड आइडेंटिफाई होने के लिए। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 20 दिन में टाइम दिया हुआ है, एंड महबूबा मुफ्ती है सर, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी विल बी टेकन टू द लॉजिकल एंड। आपने अक्यूज तो आइडेंटिफाई किया नहीं, और उस बेचारे मेजर को FIR में डाल के पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। और सेल्फ डिफेंस की बात, सेल्फ डिफेंस का राइट हर एक आदमी को है, फौज को क्यों नहीं है? अगर आपको नहीं चाहिए फौज, अपना डिस्टर्ब एरिया एक्ट हटा लीजिए, आर्म फोर्सेज पावर एक्ट हटा लीजिए, वी विल बी ओनली टू हैप्पी टू गेट बैक टू द बैरक्स एंड ट्रेन आवरसेल्फ एंड नॉट वेस्ट आवर टाइम फॉर दीज पीपल। जवाब दीजिए डॉक्टर पात्रा। दे आर वेस्टिंग आवर टाइम फॉर दीज पॉलिटिशियंस, दे आर फाइटिंग अ बैटल ऑफ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। When PDP never wanted to make a party with BJP, BJP never wanted to make a party with me. After the election, they are married together and creating a bloody confusion there in Kashmir. And हम बीच में गुन के मासिक पिस रहे हैं, फौज के जाने जा रही है, उस जैसे को मार दिया होता उन्होंने अगर सेल्फ डिफेंस में फायर नहीं किया होता तो। He did the right thing. और ये तो दो गिरे, मैं तो कहता हूँ 20 को मारना चाहिए था। आज अगर 20 आदमी मर जाते हैं वहां पर, ये सारे के सारे सीधे हो गए होते। जैनी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जैनी साहब के देखिए, मैं जैनी साहब, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं आपके चरणों में बैठने लायक हूं, इसलिए मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कि मैं आपको लिखित रूप से देता हूं आश्वासन। मैं तो आपको क्या आश्वासन दूंगा, मगर जैनी साहब आप विश्वास रखिए, बिल्कुल यस, राजनीति वहां कुछ लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दो उपाय हैं, आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो फिर आप छोड़ दीजिए ना, गठबंधन छोड़ दीजिए, क्यों, व्हाट इज द कंपल्शन कि आप वहां पर रहें? देखिए, दो ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP दोनों एक मत होकर कह रही है कि इस पे सजा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र, और कांग्रेस भी कह रही है असेंबली में, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नहीं चाहती, और मैं आपको आज बिल्कुल आपके चरणों में बैठ के कह रहा हूं। तो सर, फिर सर, तो फिर तो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं PDP को बोलती इस FIR को रद्द करो, आपने गलत एक्शन किया है, मोदी जी मुंह क्यों नहीं खोलते, आप मुंह क्यों नहीं खोलते, आपके रक्षा मंत्री क्यों नहीं मुंह खोलते, ये FIR गलत है, नॉन सैंक्शनेबल है, इलीगल है, गलत है, फौज का मनोबल डाउन करेगी। देखिएगा सर, और ये षड्यंत्र है हमारे, इट वुड बी विदाउट एनी ह्यू एंड क्राई वो विदड्रॉ हो जाए, क्योंकि देखिए सब लोग मुंह खोलेंगे ह्यू एंड क्राई करके, क्या आर्मी के विषय को सड़क पे लाना आवश्यक नहीं। मैं आपसे कहता हूं सर, आप मुझसे लिखित में लीजिए, हम आप यू आर द स्पाइन ऑफ द कंट्री, और हम आपके साथ खड़े हैं सर, आपके चरणों में हैं, आपके ऊपर, और बिल्कुल लेट इट बी बिफोर 8 AM टुमारो मॉर्निंग, लेट इट बी बिफोर 8 AM टुमारो मॉर्निंग। जैनी साहब टाइमलाइन दे रहे हैं, टाइमलाइन दे रहे हैं, इस दर्द को समझिए सर। बिल्कुल दर्द को समझ रहा हूं, और हाथ पकड़ के मैं कह रहा हूं कि नहीं सर समझिए, हम लोग वो लोग हैं सर जो आपका सम्मान नहीं करेंगे क्या? नहीं, सर, हाँ, बिल्कुल आप जानते हैं, हैव फेथ ऑन अस। मैं बहुत छोटी चीज हूँ, टाइमलाइन पे मैं नहीं बोल सकता हूं, मगर मैं जानता हूं हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी, हमारी पार्टी की सोच, और देखिए वहां पिस कौन रहा है। मैं फौज ने 26 लाख रिटायर्ड फौजियों ने 80,000 आदमी मैं लेके गया था 14 अप्रैल 2014 में, मोदी साहब ने रैली करी थी, कौन सी, हरियाणा, यही, क्योंकि आपने हमें आश्वासन दिलाया कि फौज का मान और इज्जत वो, और ये ताजा तस्वीरें इस वक्त की आ रही है, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। हम ये भी आपको बताएं कि मेजर गोगोई का जिस वक्त ये पूरा तमाशा वहां पर हुआ था, मेजर गोगोई ने उठाया और उसके बाद से कहा गया कि नहीं, देश उनके साथ है। ये तो वहां के हालात हैं, आप देखिए डॉक्टर संबित पात्रा। पंडित जी, आपको भरोसा हो रहा है डॉक्टर संबित पात्रा की बातों पर? देखिए, संबित जी का जवाब जवाब नहीं, जलेबी है, वो भी बड़ी चाशनी में डुबो डुबो कर। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी एक मजबूरी है, उनकी पार्टी ने उनको इस मजबूर स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है।
आपकी जानकारी के लिए 12 सितंबर 2014 को एक चेक पोस्ट पर ना रुकने के कारण जो कार क्रैश कर गई थी उस पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत फायर खोला गया था। वो जेसीओ और जवान सड़ रहे थे सालों तक कोर्ट मार्शल होने के बाद। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको अनुमति दी थी, कोर्ट मार्शल करा करके उनके जीवन बर्बाद कर दिए गए। मेजर लिटिल गोगोई के खिलाफ एफआईआर, कहा गया था, आश्वासन दिया गया था विड्रॉ हो जाएगी, महीनों हो गए हैं विड्रॉ नहीं हुई है। ये एक और एफआईआर दर्ज की गई है। आप हमारी आर्मी को पीस रहे हैं वहां, उनका मनोबल तोड़ रहे हैं और देश का जो आखिरी सुरक्षा कवच है आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जब महबूबा मुफ्ती असेंबली के फ्लोर पर कहती है कि रक्षा मंत्री से उन्होंने बात की है, हमारे देश की रक्षा मंत्री क्यों नहीं कहती है कि मैंने नहीं की है? जवाब क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देती है? 24 घंटे से ज्यादा हो गया है। जवाब दीजिए डॉक्टर। बिल्कुल, देखिए सब लोग जो बैठे हैं जायज बात, ये सब पहले आपके हाँ में हाँ मिलाते थे सर, इसीलिए देखिए इनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। ना ना ना, पंडित जी को भी कहूंगा और सर को भी कहूंगा, विश्वास करिए मैं चाशनी में डुबो के बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी है। हम मर जाएंगे अपनी आइडियोलॉजी से। आइडियोलॉजी कुछ भी हो सर, हाथ जोड़ आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। आपने हमें सपोर्ट किया है, इसलिए मैं बिल्कुल अहंकार के भाषा का प्रयोग करूंगा नहीं, आपके साथ खड़ा हूं। वास्तविकता ही बोलिए, आपकी कहने कुछ है, 20 सेकंड दीजिए कुछ है सर, 20 सेकंड दीजिए मुझे, 20 सेकंड दीजिए। मैं देखिए, मैं कभी आपसे परे नहीं, हमारा धैर्य खत्म हो रहा है सर, पौने चार साल हो गए हैं। सुनिए सर, 10-20 सेकंड दीजिए धैर्य, 20 सेकंड के लिए। अंजना जी, आज कश्मीर में क्या व्यवस्था है? मैं इतना ही कह रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए।